जहां एक ओर नवरात्र के अंतिम दिन मंदिरों में मां के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और मां की आराधना के साथ ही पूजन हवन किया गया, तो दूसरी ओर प्रतापगढ़ में कुछ भक्तों ने गौ माता का पूजन कर आदिशक्ति की आराधना की। वहीं इस अवसर पर गायों और गौवंश के संरक्षण के लिए लोगों के द्वारा पहल की गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्र कार्यकारिणी के सदस्य ने बताया कि गौ माता भारतीयों के लिए संस्कार, संस्कृति, सुख समृद्धि की केंद्र बिंदु रही हैं। इनका पूजन मां की आराधना के ही समान है। लोकसभा चुनाव में राजनेताओं के बयानों की बयार शुरू हो चुकी है। वहीं इसी कड़ी में यूपी के रामपुर में आजम खान द्वारा बजरंग बली को अली कहने पर भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा आजम खान पर जमकर बरसी और बताया कि आजम खान के संस्कार ही ऐसे हैं कि वो अल्लाह और भगवान पर भी सियासत करने से नहीं चूकते। आजम खान ने मायावती पर भी टिप्पणियाँ की हैं और मुलायम पर भी। वे ऐसे ही गालियाँ लोगों को देते रहते हैं, यही संस्कार इन्हें मिले हैं। इसी के साथ ही मेनका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि देश में गंगा जमुनी तहजीब है, हर धर्म के लोगों के वोट की हमें ज़रूरत है, वो हमें वोट करें या ना करें हमारा फर्ज सभी की सेवा करना है। यूपी के सीतापुर जिले के सदना थाना क्षेत्र के करीब बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली दूसरी तरफ से आ रही ऑटो की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में ऑटो में बैठे चार यात्रियों में से तीन यात्रियों की ट्रॉली के नीचे दब जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों के परिजनों ने शवों को रोड पर रखकर रोड जाम कर दी। फिलहाल पुलिस के काफी मान मनोवल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। दूसरी तरफ संत कबीर नगर जिला उस समय चर्चा के केंद्र में आ गया था जब मौजूदा सांसद ने क्षेत्र के विधायक की जूते से जमकर धुनाई कर दी थी। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जूता मार सांसद का जमकर विरोध किया और उत्पात मचाया और शरद त्रिपाठी वापस जाओ के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आगमन भी होना था, जिसके पहले ही कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का माहौल अव्यवस्थित कर दिया। यूपी के महाराजगंज जिले में कानून व्यवस्था बेहाल हो चुकी है। क्षेत्र में कानून का डर लोगों के जहन से निकल चुका है। ताजा घटनाक्रम में एक वृद्ध महिला अपनी बेटी के साथ हुई अभद्रता की शिकायत संबंधित थाने में देकर लौट ही रही थी कि अचानक दूसरे पक्ष की दबंग महिलाओं ने वृद्ध महिला को रास्ते में लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से वृद्ध बुरी तरह घायल हो गई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।